यहाँ पर उपस्थित सभी लाभार्थियों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आज 23 अक्टूबर 2022 को आयुर्वेद दिवस मनाया जाना है, जो कि 7वां वर्ष है। इस दिवस में आप लोगों को खास तौर पर मोटे अनाज के बारे में बताना है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होती है और हम लोगों को अपने दैनिक आहार में बच्चों के पोषण के लिए, बड़ों के पोषण के लिए, यानी सभी समुदाय के लोगों के लिए मोटा अनाज अपने खाने में शामिल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो है अपने आहार में शामिल करना है। पहले हम लोग इस अनाज को खाते थे, लेकिन अभी तत्काल हम लोग इस अनाज को दूर दूर तक नहीं खाते हैं। शहरों में तो लोग खा लेते हैं, जैसे मक्का है, वो उसको भुट्टा भी बोलते हैं, उसको भून करके लोग बाल को खा लेते हैं, उसका सत्तू खा लेते हैं, लेकिन गांव में इसी चीज को हम लोग नहीं खा पाते हैं। अब हम लोग हो गए स्टैंडर्ड, चावल दाल सब्जी हो गया, रोटी सब्जी हो गया, मार्केट में गए कचरी सिंघारा ही हो गया, ये सब नहीं। आप लोग दलिया में जैसे गेहूं हो गया, मूंग हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सबको मिक्स करके, तिल हो गया, दलिया बना करके खाइए, बहुत ही पौष्टिक है, पोषक तत्व है, इसमें बहुत ही आप लोगों को फायदा करेगा। अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो इसीलिए आज का दिन आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 7वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और इसमें आंगनवाड़ी केंद्र पर सभी लाभार्थियों को बुलाकर इसके बारे में जानकारी देना है हम लोगों को। सो हम लोग, आज धनतेरस का दिन है और इसी दिन हम लोगों को प्रचार प्रसार करना है। आप लोग आज के बाद अपने घर में कम से कम एक टाइम सुबह में दलिया बनाकर जरूर खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। आपके लिए फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है, ये सबों के लिए फायदेमंद है, कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है। इसकी शुरुआत हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की है, तो हमें इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहना है, करते रहना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और दीपावली की अग्रिम बधाई देते हैं। हैप्पी दिवाली।